तो देखो गाइस, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग लास्ट रिलीज भी माई डीमन को हिंदी में देखने के लिए वेट कर रहे थे। तो आखिरकार उनका इंतजार है वो बस अब खत्म होने वाली है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली इसकी हिंदी डब की जो मेंशन है वो इसकी ऑफिशियल पेज पर कर दिया है। जी हां गाइस, वहां पे लिखा हुआ है हिंदी डब नॉट अवेलेबल, बट वहां पर इसकी हिंदी डब एपिसोड है उसे अपलोड नहीं किया गया है। लेकिन गाइस, जो अभी करंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसकी जो डबिंग वगैरह है वो कम्प्लीटेड है और इसकी जो डबिंग क्रेडिट है उसे भी एड कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि बहुत ही जल्द इसकी हिंदी डब ऑडियो फाइल है उसे अपलोड कर दिया जाएगा। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो को देख रहे होंगे तब तक इसकी हिंदी डब ऑडियो फाइल है उसे अपलोड कर दिया गया होगा। लेकिन जो भी हो, अगर आपको वेट करना होगा तो कम से कम एक या दो हफ्तों से ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। और बता दूं कि इसकी सीजन वन में टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी रन टाइम करीब 1 घंटे प्लस की है। और अभी फिलहाल IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और MDL पर 8.3 आउट ऑफ 10, यानी सीरीज को ऑडियंस की तरफ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप इस रोमांटिक के ड्रामा को चेकआउट कर सकते हैं। यानी बोला जाए तो ये एक फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है जिसकी कहानी मेन तौर पर एक डीमन लड़के के बारे में बताती है, प्लस एक साधारण लड़की के बारे में। इन्हीं दोनों की कहानी इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगी। वैसे मैंने इस सीरीज की कहानी के बारे में डिटेल से बताई है अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी हो, ज़्यादा आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। इतना वेट किए हैं तो 2-4 दिन और भी वेट कर लीजिए, या फिर ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 वीक। तो जो भी हो, फिलहाल की इतनी अपडेट है, ये कंफर्म हो चुकी है कि आपको इसकी सीजन वन की सभी एपिसोड है वो हिंदी डब में नेटफ्लिक्स इंडिया पर देखने को मिलेगी। और नेटफ्लिक्स ने खुद ही इसकी ऑफिशियल पेज में इसकी हिंदी डब का मेंशन किया है। तो जो भी हो, इसके अलावा इसकी डबिंग क्रेडिट भी एड कर दिया गया है। तो जैसे ये सीरीज हिंदी में आती है तो फिर मैं आपको इसकी जानकारी इसी तरह के एक और नए वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। We'll be right back.